हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोकेमिस्ट्री। तो आपके सिलेबस के अंदर ये यूनिट वन के अंदर है चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे आपका 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर का जो रीज़न है, ये आपका फोटोकेमिकल रीज़न होता है। फोटोकेमिकल रीज़न इसको बोलते हैं। तो होता क्या है, देखो हम लोग जनरली जैसे पढ़ते हैं कि थर्मल रिएक्शंस क्या होती हैं। थर्मल रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हीट करने से कोई हम केमिकल चेंज करवाते हैं। वैसे ही जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है, लाइट के एब्जॉर्प्शन से रिएक्शन होती है। और जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो इस रेंज के अंदर होती है, 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, जो कि फोटोकेमिकल रीज़न है। ठीक है, जो रिएक्शन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो फोटोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट, मैकेनिज्म, रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस विच रिजल्ट्स फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जैसे आप लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ते थे कि केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करती है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस को डिस्कस करती है, और कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं उनको डिस्कस करती है। बिल्कुल उसी तरह से फोटोकेमिस्ट्री में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे, बट किन रिएक्शंस का, जो फोटोकेमिकली होती हैं। और फोटोकेमिकली का मैंने आपको क्या बताया, फोटोकेमिकल वो रिएक्शंस होती हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने से होती हैं। ठीक है, तो आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर होगी होगी। फोटोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस दैट रिजल्ट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द फोटोकेमिकल रेंज। और फोटोकेमिकल रेंज 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक की है, जो फोटोकेमिकल रीज़न हम बोल रहे हैं बार बार। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिएक्शंस हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। दो तरह की कैसे हो सकती हैं, एक तो आपके पास जो चेंजेस हैं वो हो सकते हैं फोटोफिजिकल चेंजेस, और दूसरे आपके पास हो सकते हैं फोटोकेमिकल चेंजेस। अब फोटोफिजिकल चेंजेस में क्या है और फोटोकेमिकल चेंजेस में क्या है, जैसे कि इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि फोटोफिजिकल चेंजेस के अंदर क्या होगा कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बट कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। फोटो फिजिकल चेंजेस है ना, तो इसका मतलब लाइट का एब्जॉर्प्शन तो होगा ही होगा लेकिन कोई उसके अंदर केमिकल चेंज नहीं होगा। और फोटो केमिकल चेंजेस के अंदर क्या है, लाइट एब्जॉर्ब होगी और उसके बाद उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज भी होगा। ठीक है, तो फोटो फिजिकल चेंजेस और फोटो केमिकल चेंजेस में हम लोग डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर आगे भी डिस्कस करेंगे। फोटोफिजिकल चेंजेस में आपके पास फ्लोरिसेंस होता है, फास्फोरिसेंस होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, जबकि फोटोकेमिकल चेंजेस में आपके पास क्या होगा, कोई ना कोई फोटोकेमिकल चेंज ज़रूर होगा। अब फोटोकेमिकल चेंज का आप एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कम्बिनेशन से ग्लूकोज बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट।
ये फोटोकेमिकल चेंज का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फोटोकेमिस्ट्री के अंदर। अब आते हैं इसके अंदर, देखिए लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, आपका सिलेबस जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से शुरू होता है, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास टोटल 2 लॉज हैं, वन इज ग्रोथस ड्रेपर लॉ, और इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। ग्रोथस ड्रेपर लॉ जो है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि देखो आपने जैसे ये सब्सटेंस है आपके पास कोई भी, इट इज़ ए सब्सटेंस, और आपने इस सब्सटेंस को लाइट की एक्सपोजर में रखा, बाहर से इसके ऊपर लाइट जो है वो आके स्ट्राइक कर रही है, तो जो लाइट है उस लाइट के 3 पार्ट्स हो जाएंगे, ऐसे समझिए इसको। एक पार्ट जो होता है लाइट का वो तो हो जाता है ट्रांसमिट, ए पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड, एक पार्ट जो है वो इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, और एक पार्ट है जो वो लाइट का एब्जॉर्ब हो जाता है। जो लाइट इस सब्सटेंस के ऊपर आ रही है वो लाइट 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, मतलब अगर इसको मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलूँ तो हम क्या बोलते हैं, देखिए कि वेन एवर ए सब्सटेंस इज इरेडिएटेड, वेन एवर ए सब्सटेंस इज इरेडिएटेड, या जब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सब्सटेंस, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड, एंड रेस्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब। फिर से सुनिए, when light is incident on a body, a part of it is reflected, a part is transmitted, and rest of the light is absorbed. अब ध्यान से समझिएगा, जो light transmit हो गई या जो light reflect हो गई वो तो इस substance से बाहर चली गई, तो इस substance के अंदर कौन सी light रही, जितनी इसने absorb की। इसका मतलब अगर कोई फोटोकेमिकल चेंज होता है तो वो किस वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब्ड लाइट की वजह से, क्योंकि जो ट्रांसमिटेड लाइट है या जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो तो इस सब्सटेंस से बाहर चली गई ना, तो एब्जॉर्ब्ड लाइट की वजह से क्या होगा, कोई ना कोई केमिकल चेंज हो सकता है। तो सुनिए, इट इज़ ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट, इट इज़ ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट विच कैन ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज, इट इज़ ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट विच कैन ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। समझ के बात, जो ट्रांसमिटेड लाइट है या फिर जो एब्जॉर्ब लाइट है, सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट है, उनकी वजह से कोई केमिकल चेंज नहीं होता। केमिकल चेंज किस वजह से होता है, जो एब्जॉर्ब्ड लाइट होती है। तो ग्रोथस ड्रेपर लॉ फिर से सुनिए, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए बॉडी, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड, एंड रेस्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब, इट इज ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट विच कैन ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के लिए कौन सी लाइट रिस्पॉन्सिबल है, जितनी उसने एब्जॉर्ब करी। समझ गए, अब देखिए हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार उसमें केमिकल चेंज हो। कई बार क्या होता है कि जो रिएक्शन है, कंडीशन है, वो फेवर नहीं करती, या लाइट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो जाते हैं, आयोनाइजेशन भी हो जाती है, जैसा आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी पढ़ा है। कई बार क्या होता है कि लाइट जो होती है एब्जॉर्ब जो लाइट हो वो री एमिट भी हो जाती है, री एमिट होने से फ्लोरिसेंस, फास्फोरिसेंस वगैरह ये फिनोमिना होते हैं, ये आपको आगे डिटेल से बताएंगे। तो मतलब ये कहने की बात ये है कि जो एब्जॉर्ब लाइट है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 100% वो लाइट जो है वो केमिकल चेंज करेगी ही करेगी। केमिकल चेंज कब होगा, जब कंडीशन उसको फेवर करेगी।
अदरवाइज केमिकल चेंज नहीं भी हो सकता। लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि केमिकल चेंज जो होगा वो सिर्फ एब्जॉर्ब लाइट की वजह से ही होगा, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से नहीं होगा। सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है जो, वो है आपका स्टार्क आइंस्टीन लॉ। इट इज कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्या बोलता है, इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन ईच रिएक्टिंग एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब वन फोटोन ऑफ लाइट विच कॉजेज द रिएक्शन। देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन जब होगी तो उसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, तो ये लॉ बोलता है कि हर एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल या एटम कम से कम एक फोटोन लाइट का जरूर एब्जॉर्ब करेगा और केमिकल रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पे H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो। अब क्या होता है, देखिए कोई भी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या है, मान लीजिए आपके पास X कोई भी एक एटम है या मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और सबसे पहले ये X है जो, ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, दिस इज एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। लाइट को गेन करके ये एक्टिवेट हो जाता है। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू है, यही चीज अगर मैं पर मोल लिखूं तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू लिख सकता हूं। यहाँ पर जो आपका n है वो एवोगैड्रो नंबर है, n है जो वो है 6.02 इंटू 10^23 पर मोल, इसका यूनिट होता है, ये एवोगैड्रो नंबर है। ये जो क्वांटिटी है एनर्जी पर मोल ऑफ द फोटोन, या यूं कह सकते हैं आप कि एक मोल फोटोन की जो एनर्जी है वो, क्योंकि एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, लेकिन उसको जब एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन। इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। फर्दर आप जानते हो कि न्यू किसके इक्वल होता है, सी बाय लैम्डा, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ई किसके इक्वल आ गया, एन एच सी बाय लैम्डा, ये रिलेशन चेंज होके ये हो गया। बस आपने न्यू की जगह क्या लिखना है, सी बाय लैम्डा लिखना है, तो ये चेंज हो गया एन एच सी बाय लैम्डा। अब यहाँ पे आप अलग अलग सिस्टम के अंदर वन आइंस्टीन की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो आप CGS सिस्टम लेते हैं, CGS यूनिट अगर लेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट H की वैल्यू क्या होगी, 6.62 इंटू 10^-27 अर्ग सेकंड, जूल नहीं आएगा अब CGS के अंदर, अर्ग आएगा। एवोगैड्रो नंबर फिक्स है, और C वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10^10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम वन आइंस्टीन वाले रिलेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास E की जो वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की, वो वैल्यू आ जाएगी 2.86 अपॉन लैम्डा कैलोरी पर मोल। ये CGS के अंदर आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप SI यूनिट लेते हैं तो SI यूनिट के अंदर H क्या हो जाएगा, 6.62 इंटू 10^-34 जूल सेकंड, और C 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी
0.1197 अपॉन लैम्डा जूल पर मोल, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड आप न्यूमेरिकल जो है वो कैसे करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया सपोज कि लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 3000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन आइंस्टीन। अब आपको ये डायरेक्ट रिलेशन याद है तो भी आप कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप सीधा वैल्यू पुट करके आंसर भी निकाल सकते हैं। जैसे एस, अब ई की वैल्यू लिखिए, ई की वैल्यू क्या होती है, एन एच सी बाय लैम्डा। अब लैम्डा आपको 3000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, तो इट इज़ इक्वल टू 10^-10 मीटर्स, और यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू 3×10^-7 मीटर। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू 6.62×10^23 पर मोल, एच की वैल्यू 6.62×10^-34 जूल सेकंड, सी की वैल्यू 3×10^8 मीटर पर सेकंड, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3×10^-7 मीटर। ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपके पास आंसर आ गया 399 किलो जूल पर मोल। बिल्कुल सिंपल, इस तरह के न्यूमेरिकल भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।